है, सिर्फ और सिर्फ हम अपील करते हैं आप लोगों से, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आज जो उपचुनाव होने जा रहा है 21 तारीख को हमारे दिनेश निषाद जी यहाँ का उम्मीदवार हैं, जो VIP पार्टी के तरफ से उतरे हैं और जिनका चुनाव चिन्ह आप जान रहे हैं नाव है और क्रमांक 5 पर है। तो EVM का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा छोड़ के 5वां पर आप लोग बटन दबाइएगा और एक प्रकार की आवाज निकलेगी तो समझिए कि आपका वोट पड़ गया। तो 5वां पर बटन दबा करके नाव छाल पर हमारे दिनेश निषाद जी को आप भारी बहुमत से जिताएं। संक्षेप में हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज कानून व्यवस्था की ये स्थिति बिहार में आ गई है कि बहु बेटी का इज्जत सुरक्षित नहीं है। आप पेपर में देखते होंगे कि बहु बेटी को रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, सामूहिक बलात्कार होता है और उसका वीडियोग्राफी होती है और वीडियोग्राफी के बाद उसको वायरल किया जाता है कि ताकि वो हमारी बेटी कुछ बोल नहीं सके। तो ये अन्याय, ये अत्याचार हम समझते हैं 40 वर्ष का मेरा राजनीतिक जीवन है ऐसा कभी नहीं देखा था। इसलिए आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि इस दुष्कर्मी सरकार को बदलना चाहिए और नहीं तो कोई भी सरकार ऐसी होती, हम भी 9 महीना के लिए हुए थे, 2 घटना घटी थी 57 दिन में और 53 दिन में हम लोग उनको फांसी की सजा दिलवाया था। आज इनको चाहिए कि इस प्रकार का जो कांड होता है उसमें एक्सक्लूसिव कोर्ट बना करके उनको फांसी की सजा दिलावे दोस्तों। और इसके बाद हम यही कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार भी काफी चरम सीमा पर है, कहीं आप चले जाइए आप बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता। और इसमें एक बात और जो हम छूट गए करना इस बात को कि किसके बेटी बहू के साथ बलात्कार होता है, कोई अमीर घर के भले बेटी बहू के साथ बलात्कार नहीं होता है, सब बलात्कार होता है हमारे गरीब घर के बच्चे बच्चियां और उनके साथ होता है जिनके घर में शौचालय नहीं बना है। सरकार ढोंग फेंक रही है कि हम सबके घर में शौचालय बना दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कितने के घर में शौचालय बना है, अगर नहीं बना है तो हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को नहीं बना है। तो देख रहे हैं कि सबके यहाँ शौचालय नहीं बना है। अब यही कारण है कि हमारी बेटी जाती है शौचालय के लिए, हमारी बेटी जाती है घास गिरने के लिए, उसके साथ इस प्रकार की बर्दाश्त होती है। तो इस जुल्मी सरकार को बदलना है और उसके लिए हमारे दिनेश भाई जी को आप 9 छाप पर प्रथम दबा करके जिताइए। और भ्रष्टाचार का मामला है, आप शौचालय बनाने की बात करते हैं 12,000 रुपया मिलता है, उसमें 2,500 रुपया घूस ले लेता है। इंदिरा आवास की बात है, 1,60,000 रुपया मिलना चाहिए, उसमें 20-25 हजार से 30 हजार रुपया तक घूस लेता है, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। तो एक काम गरीबों का बताया जाता है जो कि आज नहीं हो पाता। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार रोकना हो तो, या फिर जो इस तरह का कुकर्म हो रहा है, रोज मर्डर, रोज डकैती, रोज लूट, और सबसे बड़ी बात है मेरे भाई और बहनों जो आपसे कहना चाहते हैं, हम भागलपुर से लेकर के सहरसा और खगड़िया तक के कल परसों से घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे अनुसूचित जाति के लोग यानी हरिजन भाइयों का, आदिवासी भाइयों का, पिछड़े वर्ग के भाइयों का, जिसके जमीन जहां वो रह रहे हैं उसका या तो पर्चा नहीं मिला, अगर पर्चा मिल गया है तो रसीद नहीं कटी, अगर रसीद कट गई है तो उन पर कब्जा नहीं। कहने का मतलब हमारे भाई को जमीन दे दी गई है, रसीद कट गई है, लेकिन कब्जा उसका नहीं है। आज हमारे पास सैकड़ों केसेस ऐसा आया है और ये सरकार इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी कि जो जमीन हड़पता है, जो रसीद नहीं काटता है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये सरकार नहीं कर रही है। हमारा कहना है, बहुत बात कहना चाहते थे मेरे भाइयों बहनों लेकिन समय नहीं है, यही 2-3 मुद्दा जिसको कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार, दूसरी बात हमारे बहु बेटी का इज्जत सुरक्षित नहीं है, और तीसरी बात जो जमीन के संबंध में हमने कहा हम आपको जमीन से बेदखली किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे दिनेश भाई को 9 छाप पर बटन दबा करके निश्चित रूप में इनको जिताइए। हम सरकार को निश्चित ये बात कर देंगे कि आप हर हालत में ये सब काम कीजिए। हम अभी अकेले हैं वहाँ असेंबली में, अगर दिनेश भाई जीत के जाएंगे यहाँ से, हमारे नाथ नगर से
अजय राय जी जीत के जाएंगे, हम लोग तीन चार आदमी होंगे, तो ये तीन चार काम जो नहीं ये सरकार कर रही है हम उसको रोक लगाएंगे। और ठीक कहा माननीय मुकेश भाई ने कि ये तो मात्र 9 महीना का है, हम देख रहे हैं, सही बात देख रहे हैं कि जितना हमारे भाई गरीब तबके के लोग हैं सब इतना दुख सह रहे हैं, ऐसे संकट की घड़ी में रह रहे हैं और विकास का काम कुछ नहीं देखते हैं। आज एक बात भी है हमारे सामने, हम देख रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं हमारी बेटी बहू मीटिंग में जाते आती है, कारण कि हमारे जो टोला है जहाँ हम लोग जाते हैं या हमारे लोग जाते हैं बुलाने के लिए, तो मालूम होता है कि वहाँ का मर्द लोग भाग चले गए हैं दूसरे जगह काम करने। क्यों दूसरे जगह जा रहे हैं काम? ए नीति जी पहले कहते थे कि हमारे यहाँ से कोई आदमी बाहर काम करने नहीं जाएगा, सब बाहर के लोग आएगा बिहार में काम करने। लेकिन आज एक चार पाँच जिला छह जिला को हम देखते हैं कि तीन हिस्सा मर्द बाहर चला जाता है और बाहर जाकर के 2 महीना 4 महीना पर आता है, अपने बाल बच्चों को छोड़ के जाता है। ऐसी सरकार क्यों चाहिए? सरकार को चाहिए था कि नहीं, चाहे व्यवसाय होता खेती का होता सब में हमारे लोगों को काम देता, तो निश्चित है कि हमारे लोग बाहर नहीं जाते। तो इसलिए इन सब मुद्दों पर ये सरकार फेल है, इसलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि पुनः पुनः अपील करते हैं कि भाई दिनेश जी को नाव छाप पर बटन दबाकर जो 5वां सीरियल में है उन पर आप दीजिए, फिर समय आएगा। हम आप लोगों के दुख दर्द में 9 महीना हम मुख्यमंत्री रहे थे, सबको बेरोजगारी को भत्ता दिया था, महिलाओं को बच्चियों को पढ़ने के लिए में तक के छूट दिया था, फिर हम जितने भी लोग हैं उनको 5 डिसमिल जमीन और मार्केट रेट से 1 एकड़ जमीन दे करके सबको आगे बढ़ाना चाहता था। जो बेरोजगार हैं उनको हम 5,000 रुपया वेतन भत्ता देना चाहते थे, ये सारा काम हमने किया था, उस सारे काम को नीतीश कुमार बंद कर दिए। इन सब काम को अगर चालू करना है तो निश्चित रूप में आप दिनेश भाई को जिताइए, आप नौ छाप पर वोट दीजिए। यही कह करके हमारे गरीब तबके के जो अति पिछड़ा है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से हैं और जो गरीब तबके के जितने लोग हैं सब भयाक्रांत हैं, इसलिए कि आज घुसखोरी परम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई हिसाब नहीं, रोज हत्या हो रही है, रोज डकैती हो रही है और सबसे बड़ी बात हो रही है जो खास करके कोसी अंचल और मगध और पूर्णिया में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे गरीब तबके के लोग को रहने के लिए जमीन नहीं दी जा रही है, उनको खेती करने के लिए जमीन नहीं है, शौचालय बनाने में घुसखोरी हो रही है, इंदिरा आवास में 35,000 रुपया लिया जा रहा है। कहने का गरज कि जो नीचे तबके के जो गरीब तबके के लोग हैं सब ये सरकार से उब गए हैं और ये लोग रास्ता खोज रहे हैं। ये बात सही है कि मुख्य चुनाव नहीं है, उपचुनाव है, लेकिन ये लोग अपने कह रहे हैं कि अगर इस चुनाव उपचुनाव में हम विरोधी को खास करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को और VIP पार्टी को यदि जिता देते हैं तो ये सरकार के दिल में बात बैठती है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, इसलिए ये लोग जीत गए हैं तो शायद सुधरेंगे, ऐसा सोच करके चाहे नाथनगर का जनता हो या फिर सिमरी बख्तियारपुर की जनता हो, सब मन बना लिया है कि यहाँ VIP के उम्मीदवार दिनेश निषाद जी को और वहाँ अभय राय जी को वोट देने के लिए एकदम निश्चय कर लिया है। 21 तारीख को काफ़ी मतों से ये जीतेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। पूरा पटना डूब रहा था, सुशील मोदी खुद उस सिलसिले बाढ़ के जैसी नसीहत में फंसे हुए थे, मांगने से मदद उनकी नहीं मिल रही थी जबकि वो खुद मुख्यमंत्री है, लेकिन आज वो यहाँ पहुँचे हैं और NDA के प्रत्याशी के लिए यही तो कहना है कि वो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अति पूर्व अति उप मुख्यमंत्री और सरकार में दूसरा नंबर के हैं और जब वो फंस गए थे तो 4 दिन वो फंसे रह गए, उनको कोई बचाने नहीं आया गया, NDRF के लोग बचा के ले गया और वो बेशर्मी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अपना घर और लोगों को छोड़ करके एक सेफ जगह पर चले गए। अगर जनहित की बात होती, जनता से संपर्क होता तो वहीं रहते और सब पदाधिकारियों को बुलाते, बाध्य करते, सब लोगों को राशन दिलवाते। हम उस समय भट्ट होना पानी में घूम घूम करके ट्रैक्टर पर चढ़ करके हम जब चलते थे ये चूड़ा और मीठा लेकर के और पानी लेकर के तो 3 तल्ला से आवाज़ आती थी, बाबू हमको 1 पैकेट दे दो, बाबू हमको 2 पैकेट दे दो। इस तरह का नौबत को देखते हुए भी सुशील कुमार मोदी चले गए सेफ जगह पर, आवाज़ किस मुँह से
जन सरकार उनका तो है ही नहीं, किस मुंह से आज यहाँ रोड शो कहते हैं। अरे रोड शो क्या कहते हैं, चलिए बांध पर जो आज हम लोग जाके देखा है, हजारों हजार लोग किस तरह से बिना रास्ता के, बिना राशन के, बिना मकान के, नंगे, उनके बाल बच्चे पढ़ नहीं रहे, उसको तो जरा देखिए आप। या जहाँ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, किस हालत में लोग रह रहे हैं, इस चीज को देखना चाहिए। तो रोड शो कर बाजार घूम रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि वो लोग का जन सरकार नहीं है, जनता को विफुल करके, मूर्ख बना करके वोट लेते रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता, खास करके सिमरी बख्तियारपुर की जनता और नाथनगर की जनता, संकल्प ले लिया है कि उन लोगों को सबक सिखलाएंगे। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। Don't worry dear, ये best surprise होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पहला रूम, हमारे सपनों का घर। वाह, हमारे सपनों का घर। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम, पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।